पुरी की जगन्नाथ मंदिर में आज कुछ ऐसा होने वाला है जिससे यह ऐतिहासिक पल के रूप में तब्दील हो जाएगा। बता दें कि 46 साल के बाद आज पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोला जाएगा। उड़ीसा सरकार इस भंडार को खोलेगी ताकि आभूषणों और अन्य कीमती सामानों की लिस्ट बताई जा सके। बता दें कि इससे पहले रत्न भंडार को आखिरी बार 1978 में खोला गया था। राज्य सरकार की ओर से खजाने में रखी कीमती वस्तुओं की सूची बनाने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष न्यायाधीश विश्वनाथ रथ ने बताया कि जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार आज फिर से खोला जाएगा। विश्वनाथ रथ ने कहा कि पुरी में हुई समिति की एक बैठक में यह फैसला लिया गया। समिति के सदस्यों में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक अरविंद पाथी भी शामिल है। 12वीं सदी के इस मंदिर के रखरखाव का काम देखने वाला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस अवसर का उपयोग खजाने के मरम्मत कार्य के लिए भी करेगा। पुरी के डीएम सिद्धार्थ शंकर स्वेन ने कहा, हम रविवार 14 जुलाई 2024 को रत्न भंडार को फिर से खोलने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। हम श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम के अनुसार सरकार की ओर से जारी मानक संचालक प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करेंगे। उड़ीसा उच्च न्यायालय के सेनानिवृत्त न्यायमूर्ति विश्वनाथ रथ की अध्यक्षता वाली विशेष समिति के सदस्य सोमेंद्र मुदुली ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से गठित 16 सदस्य उच्च स्तरीय समिति ने 14 जुलाई को रत्न भंडार को फिर से खोलने की सिफारिश की थी। पारंपरिक पोशाक के साथ हम सबके साथ मंदिर के अंदर भगवान लोकनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। ऐतिहासिक के तौर पर पहले अधिकृत कर्मचारी और एक सपेरा रत्न भंडार में प्रवेश करेगा।